वेलकम टू एक्यूरेट आईटी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम एक गेमिंग पीसी तैयार करने जा रहे हैं जिसमें हम i5 12th जनरेशन का प्रोसेसर देंगे जो 4GB ग्राफिक कार्ड के साथ रहेगा। इसमें हम 760 का बोर्ड लगाएंगे गीगाबिट का, कोर्सर की रैम लगाएंगे 16GB, 512 SSD NVMe लगाएंगे, एक एंड सपोर्ट की कैबिनेट है, ये 3 फैन के साथ ये कैबिनेट रहेगी और 1650 4GB का ग्राफिक कार्ड रहेगा। इसके साथ हम एक सैमसंग बीन अटैच कर रहे हैं और बहुत ही कम बजट में हम ये सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं इसको सैम्पल करना। बोर्ड में आप देख रहे हैं 2 SSD आराम से लग सकती हैं। ये गीगाबाइट का 20760M गेमिंग DDR4 के साथ मदरबोर्ड है, बहुत ही हाई क्वालिटी का मदरबोर्ड है। इस बोर्ड पे हम प्रोसेसर लगाएंगे। अब ये इंटेल का 12th जनरेशन का प्रोसेसर हमारा, इसके कट अपने बहुत ही ध्यान से देखने हैं। हमारी किट हो चुकी है तैयार। इसमें हम लगा रहे हैं DDR4 रैम, 16GB रैम है, सिंगल स्लोट रैम है, ये कोर्जियर कंपनी की रैम है, हीट सिंक के साथ आती है ये रैम, ये देख सकते हैं हीट सिंक के साथ आती है। आगे हमारी एसर की SSD है 512GB, NVMe SSD है, ये PCIe जनरेशन 3rd है। ये हमारी कंप्लीट किट तैयार हो चुकी है। इसमें हमने प्रोसेसर लगा दिया, फैन लगा दिया, रैम लगा दी 16GB, 512GB की NVMe SSD लगा दी है। अब हम इसको इसके कैबिनेट में फिट करने जा रहे हैं, उसके बाद हम इसमें लगाएंगे ग्राफिक कार्ड। हमारा आप देख रहे हैं सिस्टम तैयार हो चुका है। इसमें i5 12th जनरेशन का हमने प्रोसेसर लगाया है, GTX का 1650 4GB का ग्राफिक कार्ड लगाया है गीगा में, और इसमें 16GB कोर्सर की रैम है, 512GB की SSD NVMe में के साथ है ये सिस्टम। आप इसकी कैबिनेट देख सकते हैं, 4 फैनों के फैन के साथ ये कैबिनेट आ रही है इसके।
बहुत ही कूलिंग सिस्टम है, गेमिंग के लिए यूज कर सकते हो आप, ऑटो कैड के लिए यूज कर सकते हो, फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग के लिए आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।